नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। रामपुर में आज भारतीय किसान यूनियन सुनील की राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव बबलू चौधरी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव उदयभान सिंह जाटव अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत रामपुर पधारे। रामपुर आगमन पर जिलाध्यक्ष ललिता प्रसाद गंगवार समाजसेवी के नेतृत्व में सिविल लाइन्स पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद रामपुर डीएम कार्यालय पर पहुंचे जिलाध्यक्ष ललिता प्रसाद गंगवार समाजसेवी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारी को DAP खाद नहर रजवाहा माइनरों की सफाई की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा। इसके बाद रामपुर कैंप कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारियों की घोषणा की। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी के निर्देश पर रामपुर निवासी सन्नू खान को भारतीय किसान यूनियन सुनील का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया व अब्दुल्ला अहद को भारतीय किसान यूनियन सुनील युवा राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण चौधरी ने कहा, जनपद रामपुर में DAP खाद के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। इस समय आलू सरसों गेहूँ की बुआई चल रही है, लेकिन किसानों को DAP खाद नहीं मिल रहा। जनपद रामपुर में किसी भी सहकारी समिति में DAP खाद नहीं है। किसानों को नकली DAP भी बेचा जा रहा है। वर्तमान केंद्र प्रदेश सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार ने किसान हित के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किसानों का शोषण किया है। देश का अन्नदाता बर्बादी के कगार पर है। वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार ने किसानों को सिर्फ लूटने का काम किया है। जिलाध्यक्ष रामपुर ललिता प्रसाद गंगवार समाजसेवी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण करवाई और कहा, जनपद का रामपुर में अभी तक नहर रजवाहा माइनरों की सफाई भी नहीं की गई। जनपद रामपुर का किसान जन समस्याओं से परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जनपद का किसान DAP खाद के लिए सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निराश घर लौट करके आते हैं। जल्द ही जनपद रामपुर की संपूर्ण सहकारी समितियों में किसानों को DAP खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो जनपद रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा आंदोलन। इस मौके पर ललिता प्रसाद गंगवार, जिलाध्यक्ष रामपुर, राष्ट्रीय महासचिव बबलू चौधरी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव उदयभान सिंह, देवेंद्र गंगवार, सन्नू खान, मंगल सेन राजपूत, कृष्णपाल मौर्य, जयपाल सागर, लालमन राजपूत, सोमपाल राजपूत, मोहम्मद इस्लाम, उदयभान सिंह, बबलू चौधरी, जमाल बबलू फाई, फैसल खान, सलमान खान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हम आपके चैनल के माध्यम से जनपद रामपुर के जिला प्रशासन किसानों को अवगत कराना चाहते हैं कि जनपद रामपुर में DAP खाद की समस्या छोटा की तरह नहीं भरी हुई है। जनपद रामपुर की किसी भी सरकारी समिति में किसानों को DAP खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। इस समय उत्तर प्रदेश का किसान DAP खाद के लिए दरदर भटक रहा है। ये गूंगी भरी सरकार, किसान विरोधी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जनपद रामपुर में नहर रजवा माइनरों की सफाई अभी तक नहीं हुई है। इस समय गेहूँ सरसों की बुआई का समय है। किसान पानी के लिए पीने की खाद के लिए परेशान है। आज भारतीय किसान यूनियन संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। एक हफ्ते के अंदर जनपद रामपुर में DAP खाद की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसी रामपुर फैक्ट्री में भारतीय किसान यूनियन संघ के कार्यकर्ता एक बहुत बड़े आंदोलन से मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जनपद रामपुर जिला प्रशासन की। खाद अगर किसान नहीं डालेगा खेत में तो उसकी उपज बिल्कुल खराब हो जाएगी और उपज खराब होगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। दूसरी समस्या है गन्ना भुगतान की। पिछली साल का जो किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय जी से कि वो किसानों का जल्दी से जल्दी गन्ना भुगतान कराएं। और तीसरी हमारी मांग है नहर रजवाओं को माइनरों को साफ सफाई करवाने की। अगर किसानों को समय पर पानी नहीं मिलेगा और नहरों में पानी नहीं आएगा तो अगर वो अन्न उगाएगा तो वो उपकर रह जाएगा। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बरसात भी नहीं है और नहरों में इतना बड़ा परेशानी हो गई है। नहरों में खरपतवार है, बहुत कीचड़ है, कहीं पे पेड़ हैं, झाड़ियां हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि जल्दी से जल्दी नहर बम्बों की सफाई कराकर किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम जिलाधिकारी कार्यालय रामपुर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बहुत ही बड़े काफले में
मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, सहारनपुर, बिजनौर, पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे भारतीय किसान यूनियन के एक एक किसान और कार्यकर्ता रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय को और इस कलेक्टर को घेरने का काम करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी रामपुर की होगी। उन हम ज्ञापन दे चुके हैं और उन्हें आगाह कर देना चाहते हैं कि दो दिन में किसानों को DAP उपलब्ध करा दिया जाए और किसानों को भुगतान के लिए किसानों को बुला बुला कर उनका भुगतान किया जाए। हम एक और विकट समस्या है रामपुर में किसानों की, बिजली की समस्या। किसानों को ट्यूबवेल माफ है लेकिन बिजली बागवारे उनसे जबरदस्ती बिल वसूली कर रहे हैं और लाइट की बड़ी समस्या है, लाइट टूट जाते हैं तार, कोई सही करने नहीं जाता है। जिलाधिकारी जी के माध्यम से मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जल्दी किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाए और बिजली की समस्या उसका समाधान कराया जाए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान।